हमेशा मेहनत करते रहिए। कामयाबी मिली तो परिवार खुश, नहीं मिली तो पड़ोसी खुश। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो लोगों के मन की नहीं अपने मन की सुनो। जैसे ही आती हैं पटरी पर जिंदगी की रेलगाड़ी, थोड़ी दूर चलते ही तो के बाद लोग चैन खींच लेते हैं। सांप से भी खतरनाक हो गया है आजकल का इंसान। सांप अपनी सुरक्षा के लिए डरता है और इंसान अपने मतलब के लिए। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। जिनकी मैं सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने वो सोचने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदारों को रखा है। जो सिर्फ तुमसे प्यार करेगा वो ये दो काम जरूर करेगा। पहला यह है कि वो किसी तीसरे आदमी को बीच में नहीं आने देगा, और दूसरा यह कि आपकी रिस्पेक्ट वो केयर करेगा। ये बात सच है, जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं वो पुराने लोगों की अहमियत को भूल जाते हैं। अपनों के लिए वक्त निकाल लिया करो, कल को अपने ही नहीं रहेंगे तो क्या करोगे इस वक्त का। जिंदगी में बुरा वक्त आए तो हौसला रखना, वक्त बुरा है जिंदगी नहीं। पेड़ की टहनी पर बैठा पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास टहनी पर नहीं अपने पंखों पर होता है। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वह जो मौका देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है। पैसा तो जीने के लिए होता है, हंसने के लिए तो हमेशा दोस्तों की जरूरत पड़ती है। कदर उसकी करनी चाहिए जिसको आपके होने और ना होने से फर्क पड़ता हो। आपका डर ही आपकी कमजोरी है। जिस दिन डर खत्म हो गया उस दिन हर काम कर सकते हैं। जब चुपने लगो जमाने की नजर में तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। किसी के साथ गलत करने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर ऐसा तुम्हारे साथ किया जाए तो तुम पर क्या गुजरेगी। खुद को सफल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है। किस्मत और हालात दोनों जब साथ न दे तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी कोई औकात नहीं होती है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोध बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। सिर्फ उस लड़की का प्यार सच्चा होता है जिसे तुम्हारी खामियों से भी मोहब्बत हो। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। कभी भी तोता मत बनो, हमेशा बाज बनो, क्योंकि तोता बोलता बहुत है पर ऊंचा उड़ नहीं सकता, पर बाज बिना बोले आसमान को चीर सकता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो यह समझ लीजिए आप उस काम को अकेले ही करने में सक्षम हैं।